उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के चोला में हूँ दोस्तों। ये आप ई रिक्शा देख रहे हैं और ई रिक्शा के साथ साथ आप ये 580 वाट का बाईफेसियल सोलर पैनल देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं, बहुत कंपनियां तरह तरह की बात करती हैं कि बिना बैटरी के ई रिक्शा चल सकता है इस सोलर पैनल से। दोस्तों आज हमने ये सोलर पैनल खरीदा है और ये नेक्सस कंपनी है। ये कंपनी बड़ी कंपनी होने का दावा करती है, देश की सबसे बड़ी कंपनी होने का दावा करती है नेक्सस सोलर कंपनी। दोस्तों आज हम इसकी हकीकत क्या है सोलर पैनल की, क्या मात्र सोलर पैनल से बिना बैटरी के ई रिक्शा चल सकता है या नहीं, चल सकता है तो किस स्पीड से चलेगा, कितनी दूर तक चलेगा और दोस्तों क्या लाभ है इस अकेले एकमात्र सोलर पैनल का, किस तरह से आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं यानी अपने ई रिक्शा को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं। दोस्तों इसकी पूरी हम जांच पड़ताल करेंगे। ये हम रिक्शा लेकर के आए हैं और ये भाई रिक्शे हमारे ड्राइवर हैं जो आप देख रहे हैं और ये ई रिक्शा है और यही पैनल है सोलर का पैनल, जिस पैनल से हम इसको चला करके दिखाएंगे। फिलहाल ये रिक्शा बैटरी से चल रहा है, अब ये बैटरी हम आपके सामने निकालेंगे और इस सोलर पैनल की फिटिंग यहाँ करेंगे, फिर चला करके दिखाएंगे क्या कीमत है दोस्तों इस सोलर पैनल की और कैसे काम करेगा, क्या इसके लाभ है दोस्तों, ये बात भी हम आपको पूरी पड़ताल दिखाएंगे। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है दोस्तों, पड़ताल है, पैसा खर्च करके ये वीडियो आपको दिखाई जा रही है। ई रिक्शा हम लेकर के आए हैं और ये ड्राइवर साथ लाए, ये पैनल हमने खरीदा है और किस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे ये भी आपको दिखाएंगे और क्या इसके लाभ रहेंगे ये सारी बात हम आपको बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो का लिंक अपने साथियों में जरूर शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना। दोस्तों हम इस ई रिक्शा पर ये टेम्परेरी फिटिंग कर रहे हैं पैनल की, एकमात्र पैनल इसकी छत पर है और आप देख सकते हो चार बैटरियां हैं, दो बैटरी ये हैं और दो बैटरी आगे हैं। तो इन चारों बैटरियों की जो पावर कनेक्शन ये देख रहे हैं आप, ये पावर कनेक्शन हमने इसकी बिल्कुल अलग कर दी है। ये इसकी पावर कनेक्शन है जो इसके मेन पैनल को जा रही है जिससे ये ई रिक्शा स्टार्ट होता है और ये बिल्कुल अलग कर दिया गया है। पैनल पर फिटिंग हो रही है और इस पैनल से ये सप्लाई के वायर हैं। ये बाईफेसियल पैनल है और बाईफेसियल पैनल से ये इसके जो सप्लाई आने के जो वायर हैं, ये दोनों वायर यहाँ हैं। आप देख सकते हैं दोनों वायर यहाँ हैं। इन दोनों वायर से किस तरह से हम इसके डायरेक्ट जो सप्लाई है, सप्लाई को इससे जोड़ेंगे। आप देख सकते हो ये कनेक्टिविटी दे दी गई है सोलर की लीड से डायरेक्ट। जो कितना एम्पियर आ रहा है इसमें करंट? 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर करंट आ रहा है, आप देख सकते हैं ये वायर आ रहा है ऊपर से पैनल से और बिल्कुल क्लाउडी मौसम है और पैनल को थोड़ा टेपर में लगा दिया गया, टेपर में लगाने से करंट ठीक बन रहा था और दो सवारी बैठे हुए हैं। ट्री में जो वेट है वो 4 क्विंटल वजन है इस ट्री में, दो सवारी बैठी हुई हैं। बिल्कुल क्लाउडी मौसम है, धूप नहीं निकल रही है, आप देख सकते हैं वीडियो में, फिर भी ये ई रिक्शा पैनल से चल रहा है, सोलर पैनल से। 580 वाट का ये बायोफेसियल सोलर पैनल है, आप देख सकते हो किस तरह वाहनों की स्पीड है सड़क पर और किस तरह ये अब धीमा पड़ गया है, थोड़ा सा धीमा पड़ गया ना ये, धीमा हो गया है। अच्छा, चूंकि बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया है, मौसम बिल्कुल क्लाउडी है। चलाते में कैसा लग रहा है आपको ये? बढ़िया लग रहा है इससे चलाते में। अच्छा, हाँ। क्या स्पीड होगी इस समय इसकी? इसकी 20 के स्पीड कम से कम, 20 की है। हाँ। दोस्तों हमने ये ई रिक्शा सोलर पैनल से चला करके देखा है, हमारे साथ जो ड्राइवर आए हैं उनके भी अनुभव क्या है, वो क्या उन्होंने फील किया है इसको चलाने में। दोस्तों हमने आपको दिखाया ये किस तरह चल रहा है, चल रहा है। यदि क्लाउडी मौसम है तो स्पीड कम रहेगी और धूप खूब निकल रही है तो बढ़िया स्पीड से ये चल सकता है दोस्तों। और हमारे जो अनुभव है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन ड्राइवर के क्या अनुभव है इसको चलाने के संबंध में वो बता रहे हैं। जी भाई साहब, आपको कैसा लगा है पैनल से, कामयाब है कि नहीं है, कितनी कामयाबी है, बिल्कुल सच सच बताइए आप। मैं पैनल से
तो चल सकता है, जहाँ घाव रहे तो मंदा चलता है। अच्छा, घाव छाए रहेंगी थोड़ा मंदा चलेगा। हाँ, मंदा चलेगा। हाँ, तो यदि बैटरी इसमें लगी हुई है तो फिर क्या लाभ रहेगा इस पैनल से? अगर बैटरी लगी हुई है तो इस बराबर चलाता रहेगा, भीतर न देगा बैटरी को। अच्छा, तो चलाता रहेगा बराबर। अच्छा, पैनल यदि नहीं है इसके ऊपर और बैटरी है तो कितने घंटे चलाते हो आप इसे? पैनल नहीं हो ऊपर तो 100 किलोमीटर चलती है, अगर पैनल होता है तो 150-150 किलोमीटर चलती है। 150 किलोमीटर चल जाएगा, यानी 50 किलोमीटर इसकी रेंज बढ़ जाएगी। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए कि इस समय इसमें आपने चार बैटरी लगा रखी थी पहले। हाँ। लेकिन अब एक बैटरी भी लग रही है, तो फिर यदि छोटी बैटरी भी लगा सकते हैं यदि पैनल चल रहा है तो? हाँ, छोटी बैटरी अगर पैनल ऊपर धरा जहाँ सही कर रही है धूप तो कामयाब हो सकता है। अच्छा अच्छा, छोटी कम यानी कम कीमत की बैटरी भी हम लगा सकते हैं। हाँ। इस समय ये बीज बैटरी जो लगाने की कीमत है, कितने पैसे की बैटरी लगती है, कितने दिन चलती है बैटरी? बैटरी 10 महीना वाली भी है, 12 महीना वाली भी है, 40,000 की भी आती है, 52,000 की भी आती है, वो तो कीमत के ऊपर बात है वो तो। अच्छा अच्छा। हाँ। अधिक से अधिक कितना चल जाती है? अधिकतर तो बैटरी 100 किलोमीटर चलती है। नहीं, कितने दिन चल जाती है? जब ज्यादा बैटरी की तो कीमत कोई पता ना, 6 महीना भी चल जाए, 10 महीना की तो गारंटी होती है। हाँ। बहुत पहले खराब हो जाती है बैटरी, 10 महीने ज्यादा नहीं चल पाती, नहीं चलती है। तो दोस्तों, ये ड्राइवर साहब कितने दिन से चला रहे हैं आप इसको? मेरे को हो गए 2 साल। 2 साल चला रहे हैं। हाँ। ये ड्राइवर जो बता रहे हैं सच बता रहे हैं, ये बैटरी सिर्फ 10 महीने चलती है। और यदि बैटरी के साथ हम इस पैनल को चलाते हैं तो क्या बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी? हाँ, लाइफ बढ़ जाएगी इसकी। कितना बैटरी की लाइफ, मतलब डेट ये बढ़ जाएगी कि जो 10 महीने में खत्म होने वाली बैटरी वो 12-14 महीने में खत्म होगी, तो आगे सप्लाई मिलती रहेगी ना। अच्छा अच्छा, सप्लाई मिलती रहेगी। हाँ। यानी बैटरी या करंट बिल्कुल समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारी पड़ताल में और ये ड्राइवर साहब की जो अनुभव है उनमें ये निष्कर्ष निकल करके सामने आया है कि इस सोलर पैनल से, 580 वाट का ये सोलर पैनल है, इससे चल सकती है, मजे से ये ई रिक्शा चल सकता है, धूप ठीक ठाक निकल रही हो। लेकिन दोस्तों, धूप जहाँ कम है, जहाँ ये जो पेड़ आ रहे हैं, यदि जहाँ पेड़ आ रहे हैं क्लाउडी मौसम है, वहाँ इसकी स्पीड कम हो जाएगी, बहुत कम इसकी स्पीड हो जाएगी। मैं आपको वो छाए वाला स्थान भी दिखा रहा हूँ, यानी जहाँ आप इस सड़कों पर या गलियों के बीच में, मकानों के बीच में, शहर के बीच में जहाँ छाए आती है, वहाँ बिना पैनल के ये ई रिक्शा नहीं चल सकता। वहाँ उस ई रिक्शा चलाने के लिए दोस्तों आपको बैटरी लगानी पड़ेगी, और बैटरी चाहे छोटी लगाएं या बड़ी लगाएं, एक बात तो साफ है कि बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। यानी जो बैटरी 10 महीने चलेगी, वो बैटरी आपकी 14 महीने और 12 महीने यानी 15 महीने तक भी बैटरी चल सकती है दोस्तों। और बैकअप इसका यानी किलोमीटर 100 से 150 हो जाएगा, और बैटरी यानी 50,000-45,000 की जरूरत नहीं है, आप कम कीमत की यानी छोटी बैटरी भी आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आप खुद ट्राई करें, जांचें, परखें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनी का पता भी हम दे रहे हैं, आप स्वयं जांचें परखें, खूब मोल भाव करें। और ये हमारी पड़ताल में सोलर पैनल यदि धूप निकल रही है तो ये सफल है, और ये बैटरी जरूर आपको लगानी पड़ेगी। जहां धूप कम निकलती है, रास्ते जहां मकान बने हुए दोनों तरफ से और छाएं जहां आ रही है, ऐसी स्थिति में ये पैनल काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, क्योंकि मौसम से इसे धूप से ऊर्जा मिलती है। उसके लिए आपको चाहे छोटी बैटरी है वो लगानी पड़ेगी, बड़ी बैटरी है तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो आपको आगे भी लगातार दिखाते रहेंगे, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।